हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स इन C++ और हम स्विच की मदद से एक सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड कैलकुलेटर बनाएंगे। सो शुरू करते हैं स्विच स्टेटमेंट से। स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी ये कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम का फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में बांट देता है। अगर आपको याद हो तो else if ladder भी सेम काम करता है, लेकिन हम स्विच को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो हमारा कोड है वो else if ladder से ज़्यादा क्लीन और एलिगेंट रहता है। सो अब चलते हैं VS Code पे और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और हम इसे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम आ गए VS Code पे। अब सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं int x और यूज़र से उसमें डेटा इनपुट करा लेते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है स्विच कीवर्ड, तो स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि जो भी एक्सप्रेशन हम अपने स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे उसका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे x यूज़ कर सकते हैं या फिर x+1 यूज़ कर सकते हैं या फिर x+1+8 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे मैं इंट की जगह कैर कर दूँ और अब अगर x को यूज़ करूँ तो ये भी सही माना जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी तो आपने बताया कि सिर्फ इंटीजर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये एरर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो कंपाइलर है वो कैरेक्टर को पहले उसके ASCII इक्विवेलेंट में चेंज करता है, यानी जो कैरेक्टर एक्स है वो पहले उसके ASCII इक्विवेलेंट में चेंज होगा। जैसे कि जो हमारा अल्फ़ाबेट स्मॉल ए है उसका जो ASCII इक्विवेलेंट है वो है 97 और हमारा जो कैपिटल ए है उसका ASCII इक्विवेलेंट है 65। यानी अगर हम किसी कैरेक्टर को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वो उसके इंटीजर इक्विवेलेंट में चेंज होगा, तब वो जाके हमारे प्रोग्राम में यूज़ होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं हमारे केसेस। सो उसके लिए हमें लिखना होता है केस कीवर्ड, और केस कीवर्ड के आगे हमें यूज़ करना होता है कॉन्स्टेंट। सो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेता हूँ 1। सो होगा क्या कि जैसे ही स्विच स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा तो जो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो केसेस से कंपेयर होती है, और जिस भी केस से वो वैल्यू मैच हो जाती है उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट यू हैव एंटर्ड 1, उसके बाद एंड लाइन। और हर केस के बाद हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। सो इसके बाद हम एक और केस बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 2, तो एक दूसरा केस बन गया केस 2, और उसमें हम डाल देते हैं कि सी आउट यू हैव एंटर्ड 2। सो ये दो केसेस बन गए। अगर एक्स की वैल्यू यूज़र 1 इनपुट करता है तो ये वाला केस ट्रू हो जाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा यू हैव एंटर्ड 1। लेकिन वहीं अगर यूज़र केस की वैल्यू 2 एंटर करता है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा यू हैव एंटर्ड 2। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होगी, अगर यूज़र ने 1 और 2 के अलावा कोई नंबर एंटर कर दिया तो क्या होगा। सो उसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का। सो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जितने भी एक्सेप्शंस रहते हैं उनको हैंडल करता है। अगर यूज़र 1 या 2 से अलावा कोई भी नंबर एंटर करता है तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड रन हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सब रन हो जाएंगे। तो इसमें डाल देते हैं यू हैव एंटर्ड अनदर नंबर, उसके बाद एंड एल, और लास्ट में ब्रेक। अब एक स्टेटमेंट स्विच के बाहर लिख लेते हैं जो कि हमें बताएगा कि जो हमारा कंट्रोल है वो स्विच से बाहर आ गया है। सो आउट ऑफ स्विच फिर एंड एल। अब इसको रन करके देखते हैं। सो मैंने 1 इनपुट कर दिया, सो लिख क्या रहा है यू हैव एंटर्ड 1, मतलब सही काम कर रहा है। अब 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। सो 2 इनपुट किया, लिख क्या रहा है यू हैव एंटर्ड 2। अब किसी अलग वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। सो सपोज मैंने एंटर कर दिया 45, तो लिख के आ रहा है यू हैव एंटर्ड अनदर नंबर, मतलब हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है। हम केसेस में फ्लोट वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहूँ कि 1.9 लिख लूँ तो ये हमें एरर शो करने लगेगा, ये देखिए। इसलिए हम केवल और केवल इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करें तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट को पूरे में से हटा देते हैं। अब अगर इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैंने डाला 1, तो आप देख सकते हैं कि सारे केसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो सब प्रिंट हो गए हैं स्क्रीन पे। यानी कि अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो जो नेक्स्ट केसेस हैं वो सब भी रन हो जाएंगे, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं वीडियो की नेक्स्ट पार्ट की तरफ और स्विच स्टेटमेंट की मदद से कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड कैलकुलेटर बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, num1 एंड num2, जो कि हमारे ऑपरेंड्स का काम करेंगे।
और उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं ऑपरेटर, जो कि कैरेक्टर टाइप होगा और हमारे ऑपरेटर का काम करेगा। अब हम स्क्रीन प्रिंट करा देते हैं, सी आउट एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय एन ऑपरेटर। मतलब जैसे हम यूजुअली कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, पहले हम एक नंबर टाइप करते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेटर और उसके बाद दूसरा नंबर। सो उस तरह हमें इसमें टाइप करना रहेगा, और उसके लिए हम लिखेंगे सी इन, और सी इन के बाद सबसे पहले नम वन, फिर ऑपरेटर और लास्ट में नम टू, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, और स्विच के अंदर हम लिखेंगे ओ पी ई आर। फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा पहला केस होगा वो होगा प्लस, सो अगर ऑपरेटर है वो प्लस ऑपरेटर है तो स्क्रीन प्रिंट हो जाएगा द सम इज, और फिर जो भी उन दोनों नंबर्स का सम होगा, और फिर उसके बाद हम ब्रेक यूज़ कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे ऑपरेटर्स के लिए भी, जैसे माइनस के लिए लिखेंगे द डिफरेंस इज नम वन माइनस नम टू, फिर ब्रेक, और मल्टीप्लाई के लिए द प्रोडक्ट इज नम वन मल्टीप्लाई नम टू एंड एल, और डिवीजन के लिए हम यूज़ कर लेंगे द क्वेश्चन इज फ्लोट नम वन डिवाइडेड बाई नम टू। अब यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग इसलिए की है क्योंकि जब हम नम वन को नम टू से डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, लेकिन अब फाइव को अगर टू से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट टू आएगा क्योंकि इंटीजर डिवीजन होगा, लेकिन अगर हम टाइप कास्टिंग कर दें तो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वही हमें मिलेगा, यानी 2.5। सो इसलिए हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको टाइप कास्टिंग से जुड़ी और बातें जाननी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम लास्ट एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि हमें रिमाइंडर बताएगा। और रिमाइंडर के बाद हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे कि अगर जो यूज़र है उसने ऑपरेटर वेरिएबल में इन पांच ऑपरेटर्स के अलावा कोई कैरेक्टर यूज़ किया है तो हम स्क्रीन प्रिंट करा देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। अब इसको रन करके देखते हैं। सो इसमें मांग रहा है एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय एन ऑपरेटर, 45 माइनस 8 तो डिफरेंस 37, जो कि सही है। उसके बाद मांग रहा है एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय एन ऑपरेटर, तो डाल देते हैं 45 प्लस 55 तो द सम इज 100। और फिर अगर हम इसके अलावा कोई ऑपरेटर यूज़ करें, जैसे हैश यूज़ कर लिया हमने प्लस की जगह, तो ये लिख के आ गया इनवैलिड ऑपरेटर। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो आज के लेसन में हमने पढ़ा स्विच स्टेटमेंट, और हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके एक सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड कैलकुलेटर बनाया। सो आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।